नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी कहानी। आई होप दोस्तों आप सभी को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राहुल को ऑफिस से लौटते हुए बहुत रात हो गई थी। वो तेज़ रफ्तार से कार चलाकर घर वापस जा रहा था। बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और हवा भी काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। राहुल का ऑफिस उसके घर से करीब 3 घंटे की दूरी पर था। ऑफिस में बहुत काम होने के कारण वो आज ऑफिस से देर से निकला था। वो तेज़ी से गाड़ी चला रहा था जिससे वो घर जल्दी पहुंच जाए। जिस रास्ते से वो ऑफिस जाता था वहां बीच में बहुत घना जंगल था जो कि करीब 1 किलोमीटर तक था। और उस जंगल के बारे में लोगों का कहना था कि ये भूत प्रेतों की बस्ती है। रात को उधर कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था। राहुल को ये सब सोचकर डर लग रहा था। उसने तेज आवाज में गाने लगा लिए और सुनने लगा। बारिश बहुत तेज हो रही थी और कार की रफ्तार भी तेज थी कि अचानक एक आदमी कार के सामने आ गया। राहुल जब तक कार को रोकता तब तक उस आदमी को टक्कर लग चुकी थी। राहुल ने जल्दी से कार रोकी और भागकर उस आदमी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि उस आदमी का चेहरा पूरा कुचल गया है लेकिन उसकी सांसें चल रही है। राहुल ने जल्दी एम्बुलेंस को बुलाने के लिए फोन लेने कार की तरफ गया और वापस आया तो भुचक्का रह गया क्योंकि वो आदमी वहां था ही नहीं। राहुल को कुछ समझ नहीं आया कि कोई आदमी जिसको इतनी चोट लगी थी वो कैसे उठ सकता है। वो थोड़ी देर वहीं बैठकर सोचने लगा कि तभी अचानक उसका फोन बजा। फोन उसकी पत्नी रमा का था। वो उठा और घर की तरफ चल दिया। बारिश की वजह से वो पूरी तरह से भीग गया था। रात करीब 1 बजे वो घर पहुंचा। थकावट की वजह से उसे नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन सुबह वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि तभी रमा एक बूढ़े से आदमी को लेकर आई और बोली कि राहुल, ये रमेश काका है। ये कल रात को अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। राहुल ने कहा, ठीक है। रमेश काका के बाहर जाने के बाद राहुल ने रमा से कहा, रमा, ऐसे किसी को बिना जाने घर में नहीं रखना चाहिए। तुम बहुत ना समझ हो, कुछ समझती नहीं हो। लेकिन रमा नहीं मानी और रमेश काका को घर पर रख लिया। उसी रात रमा और राहुल सो रहे थे कि तभी रमा को किचन से बर्तन की आवाज आने लगी, जैसे कोई बर्तन धुल रहा हो। रमा ने लाइट जलाई और किचन की तरफ गई और उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि किचन की टंकी से पानी की जगह खून निकल रहा है और पूरे सिंक में खून ही खून है। तब तक राहुल आ गया। उसने पूछा कि क्या हुआ, तो रमा ने बताया जो उसने देखा। लेकिन राहुल को वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। राहुल ने रमा को समझाया कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो सो जाओ। उस रात रमा बहुत डर गई। अगली रात भी वही आवाज सुनाई दी। वो हिम्मत करके किचन की तरफ गई। उसने देखा कि आज रमेश काका बर्तन धो रहे हैं। उसने कहा कि काका, रात के 2 बज रहे हैं और आप इस समय बर्तन क्यों धो रहे हैं।
रमेश काका कुछ नहीं बोले। रमा ने फिर कहा, काका आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? जैसे ही काका ने मुड़कर देखा, रमा उनको देखकर बहुत घबरा गई, क्योंकि उनका चेहरा पूरा कुचला हुआ था और पहचान में नहीं आ रहे थे। रमा समझ चुकी थी कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये एक भूत है। उसने हिम्मत जुटाई और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। तब तक शोर सुनकर राहुल कमरे से बाहर आ गया। वो कुछ समझ पाता, इससे पहले ही वो भूत राहुल के शरीर में प्रवेश कर गया। अब रमा घबरा गई, लेकिन उसने हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा। अब वो प्रेत राहुल को नुकसान पहुंचाने लगा, उसने उसको चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। कभी वो राहुल को पटक देता तो कभी उसका सिर दीवार में लड़ा देता। रमा ने उससे कहा कि वो ये सब क्यों कर रहा है, आखिर वो चाहता क्या है? इस पर उसने कहा कि मैं तेरे पति को अपने साथ ले जाऊंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। रमा ने कहा, इस जन्म में तो नहीं। और ये कहकर हनुमान जी के मंदिर की रखी भस्म उस पर फेंक दी। जैसे ही भस्म उस पर पड़ी, वो चीखने लगा और थोड़ी ही देर बाद राहुल का शरीर छोड़कर चला गया। अगले दिन सुबह राहुल का दोस्त उससे मिलने आया और उसने बताया कि जिस आदमी का तुम्हारी कार से एक्सीडेंट हुआ था, ये वही था जो कि काका के रूप में आया था ताकि तुम दोनों को भी मारकर अपनी दुनिया में ले जाए। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक आत्मा थी जो कि काफ़ी सालों से उसी जगह भटकती रहती है और इसी तरह लोगों को अपने साथ ले जाती है। हनुमान जी की कृपा से तुम दोनों बच गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।